स्वागत है प्रिय दर्शकों दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जहाँ पे आप अनेकों प्रकार के स्वप्न का रहस्य जानते हैं। दोस्तों स्वप्न के माध्यम से हमें भविष्य के शुभाशुभ का पता चलता है। दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं स्वप्न में अनजान व्यक्ति या अनजान जगह को देखने का अर्थ। मित्रों अगर आप भी देखते हैं ऐसे अननोन पर्सन को जिसको आपने कभी देखा नहीं है दोस्तों, वो आपको दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं आप अपने को असुरक्षित महसूस करें, अकेलापन आपको सता रहा है, इस तरह का सपना आपको अगर बार बार आ रहा है तो ये इस तरफ इंडिकेशन देता हमको। तो दोस्तों अगर आपने भी देखा अनजान व्यक्ति को तो आपको कोई मिल भी सकता है। अगर आप किसी प्रेमी से बार बार मिल रहे हैं या देख रहे हैं, प्रेमिका है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहा है, एंट्री कर रहा है, तो दोस्तों हो सकता है कोई आपके जीवन में आ भी सकता है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं आपका मन किसी से जुड़ सकता है। अगर आप देखते हैं किसी अनजान जगह पर आप गए जहाँ पहले कभी नहीं गए हैं, तो वहाँ आप ट्रेवल कर रहे हैं, वहाँ आप जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आप वहाँ पहले कभी नहीं गए हैं, तो दोस्तों इस तरह का सपना अगर आता है आपको और बार बार आता है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो है बदलाव होने का संकेत देता है। कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं आपकी लाइफ से, आप बोर हो चुके हैं, बोरियत महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो दोस्तों तो भी ये सपना आपको दिख सकता है और आगे जो है ये आपकी कमी भी पूरी हो सकती है। दोस्तों आपकी लाइफ में कोई आ भी सकता है और आपको प्यार भी मिल सकता है, इस तरफ भी इशारा करता है। अगर आपने भी सपना ये देखा है तो दोस्तों इस तरफ इशारा करता है। और शास्त्रों की माने तो जो सुबह के सपने होते हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हमको संकेत जरूर देते हैं अपने हमारे सपनों के माध्यम से हमें भविष्य का शुभाशुभ पता चलता है। दोस्तों हो ना हो, ईश्वर की कृति में जो कुछ भी है वो उनकी मर्जी से बनाया गया है, स्वप्न भी उन्हीं की मर्जी से है, तो हमें शास्त्रों के माध्यम से मिलता है इसका पता। तो दोस्तों अगर आप भी कोई भी सपना देखते हैं उसके सुफल प्राप्ति के लिए, तो दोस्तों दुर्गा माता की आराधना कर लीजिए, आपका अमंगल नष्ट हो जाएगा और शुभ आपको जल्दी से जल्दी शीघ्र फल प्राप्त होगा। तो मित्रों आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और शुभ कर्म करते रहिए, क्योंकि शुभ कर्म का फल ही प्रारब्ध बन के आता है और अशुभ कर्म का फल है दुख और शुभ कर्म का फल है सुख। तो अगर आप चाहते हैं अपने लाइफ में सुख, तो आपके साथ भले कोई बुरा कर रहा है तो उसका प्रारब्ध उसका कर्म बन रहा है। आप अच्छा करिए, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ईश्वर का नाम लीजिए। दोस्तों इसी आशा उम्मीद के साथ ईश्वर की कृपा से नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकॉन बेल प्रेस करिए, कोई सपना देखा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार।